देख सकते हैं अभी स्टार्ट करेंगे। ये देखो स्टार्ट हो गया भाइयों, कितना अच्छा जुगाड़ है। कभी भी बैटरी भाइयों खेत में अगर डाउन हो जाए तो कोई भी टेंशन नहीं है, हैंडल रखिए अपने पास और ट्रैक्टर आराम से स्टार्ट कर लीजिए। 1500 आरपीएम पे भाइयों चलेगा और तीसरे के लो में देखिएगा, चौथे लो में लगवा दिया, टॉप लो में। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज हमारे साथ में आयसर 242 एक्सट्रैक ट्रैक्टर जिनके पास है वो किसान हमारे साथ में हैं। भाइयों देख सकते हैं पीछे ट्रैक्टर में हैरो लगा हुआ है 12 डिस्क का और बढ़िया हैवी हैरो है। तो सबसे पहले अभी भाई साहब से थोड़ा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे और पता करेंगे कि कैसा क्या चलता है और डीजल खर्चा कैसा क्या है और कौन से किसान भाइयों को ख़रीदना चाहिए इस ट्रैक्टर को, और उसके बाद में ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि कैसा खिंचाव वगैरह ट्रैक्टर का है और जुताई में कैसा चलता है। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार। तो सामने से जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको एक थोड़ा सा परिचय अपना करवाइए, नाम बताइए क्या है अपना भाई। नाम विजय पाल। अच्छा, गाँव अपना कौन सा पड़ता है? नंगरा मोहम्मदपुर। अच्छा अच्छा, तो ट्रैक्टर ये जो अपना है कब खरीदा था, कितना समय हो गया लगभग खरीदे हुए? 2017 में। 17 में खरीदा है और कितने घंटे अभी तक चला डाला होगा देख लो। तेरह सौ घंटे चला डाला तब भी मतलब काम बढ़िया लिया खूब। हाँ, पिछले टायर बिल्कुल खत्म कर दिया है। हाँ। तो रोड पे ज्यादा चलाते हो क्या? हाँ रोड पे चलता है, रोड काम ज्यादा है। और जैसे ट्राली वाली का काम मतलब ज्यादा कर रहे हो? हाँ ट्राली का काम ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो एक बात है ट्राली पे मतलब इसका एवरेज कैसा है, किलोमीटर कितना जाता है एक लीटर में? एक लीटर में 10 किलोमीटर जाता है लगभग। लगभग और लोड कितना लगभग भरा होगा मान के चलो? 50 क्विंटल। 50 क्विंटल लगभग है तो 10 किलोमीटर जाएगा और खाली में तो और ज़्यादा जाता होगा। हाँ खाली में ज़्यादा जाता। अच्छा अच्छा, और जैसे मतलब छोटा ट्रैक्टर है तो उस हिसाब से मतलब खिंचाव वगैरह इसका कैसा है? खिंचाव बहुत बढ़िया है इसका। जैसे मार्केट में और बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं तो उनका डीजल खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है, तो अपने पास वगैरह कितनी ज़मीन वगैरह है? इसे ज़मीन बस 20 वहीं 4 एकड़। हाँ 4 एकड़ जमीन है। 20 बीघे, तो मतलब एक मध्यम वर्ग छोटे किसान जो है उनके लिए मतलब ट्रैक्टर सही है? हाँ आयसर जो है छोटे किसान के लिए बढ़िया है। अच्छा, कौन कौन से इम्प्लीमेंट चला लेते हो, कौन कौन से यंत्र इस पर? हैरो है, ट्राली है। अच्छा, हरी है। अच्छा, थ्रेसर वगैरह? थ्रेसर वगैरह नहीं चलाए हैं हम। अच्छा, कल्टीवेटर है। अच्छा, ये सब चलाते हैं। अच्छा, डीजल खर्चा मतलब बहुत सही लगा? हाँ डीजल का खर्चा सही है। अच्छा अच्छा, बाकी अपने जैसा छोटा ट्रैक्टर है 24-25 हॉर्स पावर का तो उस हिसाब से काम मतलब कैसा करता है? हाँ, बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करता है, तो थोड़ा सा एक बार हमारे किसान को थोड़ा मतलब इसका परफॉर्मेंस दिखाइएगा चला के। अभी चला तो के किस गियर में चलाएंगे? तीसरे लो में। हाँ। अच्छा, चौथे लो में भी चल जाता होगा? नहीं नहीं, तीसरे लो, दूसरा लो। अच्छा अच्छा, तीसरे लो में बढ़िया खिंचाव है। तो हैंडल से स्टार्ट करते हो? बैटरी ट्री नहीं है क्या? बैटरी डाउन हो गई। हाँ ठंडक का सीजन चालू है तो इसलिए बैटरी कमज़ोर है। तो ये एक इसमें अच्छा जुगाड़ होता है, जैसे मान लो कभी बैटरी डाउन हो जाए तो स्टार्ट कर लो, तो ये बढ़िया चीज़ है भाइयों। देख सकते हैं अभी स्टार्ट करेंगे। ये देखो स्टार्ट हो गया भाइयों, कितना अच्छा जुगाड़ है। कभी भी बैटरी भाइयों खेत में अगर डाउन हो जाए तो कोई भी टेंशन नहीं है, हैंडल रखिए अपने पास और ट्रैक्टर आराम से स्टार्ट कर लीजिए। तो देखते हैं भाइयों, खुलवा देते हैं इनका हैरो, पूरा खुलवाएंगे। बस बस खुल गया पूरा। तो कितनी स्पीड रखोगे, स्पीड कितनी रखोगे रेस? 1500 आरपीएम पे भाइयों चलेगा और तीसरे के लो में देखिएगा। हाँ सर 242 भाइयों देखिएगा, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है, छोटे किसानों के लिए भाइयों बिल्कुल हीरा ट्रैक्टर है ये। और अपनी अवकाश से ज़्यादा काम करने वाला ट्रैक्टर कम मेंटेनेंस के साथ में, जिसको एक मान के चलो अगर 3 एकड़ तक की ज़मीन है, 2.5-3 एकड़, वो किसान भी इसको मैनेज कर सकता है। हैरो भी काफ़ी शानदार भाइयों लग रहा है, देख सकते हैं वजन हैरो है और खेत में कोई पराली वगैरह नहीं है तो काफ़ी बढ़िया भाइयों हैरो बैठ के चल रहा है।
तो भाइयों देख सकते हैं खेत काफ़ी ज़्यादा इधर गीला है थोड़ा सा, और ट्रैक्टर में टायर जो है थोड़ा सा घिसे हुए हैं, जिस कारण यहाँ पे स्लिप करने लगा था, क्योंकि लोड पीछे ज़्यादा है, हैरो भी वजन है और गहराई भी काफ़ी अच्छी खासी ले रहा है, क्योंकि कोई पराली वगैरह खेत में नहीं है। तो भाइयों देखिए क्या शानदार चल रहा है, अभी देखते हैं पता करते हैं चौथे के लो में थोड़ा सा लगवाएंगे, यहाँ पे तो तीसरे के लो में ही खींचने में दिक्कत है, आगे जहाँ पे थोड़ा सा खेत सूखा होगा तो वहाँ पे देखेंगे, कोशिश करेंगे। ट्रैक्टर भाइयों दब तो नहीं रहा है और टायर जो घिसे हुए हैं, जिस कारण थोड़ा सा स्लिपेज यहाँ पे है। परफॉर्मेंस भाइयों काफ़ी शानदार है, वाह क्या जबरदस्त भाइयों चल रहा है। तो भाइयों देखिएगा चौथे लो में लगवा दिया, टॉप लो में खींच दिया, चौथे लो में भी दम है भाई, दम तो है। ये बात थोड़ा सा दबके चलता चौथे टॉप लो में भाइयों, बाकी तीसरे लो में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है अपने हिसाब से भाइयों, काफ़ी शानदार काम करता है। जिस हिसाब से 24 का हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, उस हिसाब से भाइयों ताकत भी अच्छी लगाता है और खिंचाव भी काफ़ी बढ़िया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो भाइयों काफ़ी शानदार लगी होगी, और किसान भाई ने काफ़ी बढ़िया अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ में।